this looks like cake. अच्छा कहाँ इधर आवर ब्यूटिफुल दिस इज चॉकलेट मूस जो मैंने बनाया. देखो टेस्ट अच्छा है. प्रशांत को भी अच्छा लगा. शिवेश बोला माइक्रोवेव तो तेरे को अकल नहीं है ना बेटा. तो शिवेश बोला ना हमें क्या वो तो मेरे तो छाले में लगा है खट्टा बहुत तेज. इसका मैं फिर बताऊंगी इंग्रेडिएंट क्या है. चावल. मम्मी यार मम्मी यार तुम्हें से पूछ रही चावल है चावल. Hi Munchkins, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing. Welcome to my kitchen. Kitchen से I'm sure आप समझ गए होंगे. Yes, this is going to be yet another cooking video. आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है I hate cooking. Because आप लोगों को अच्छा लगता है जब मैं cook करती हूँ तो आप लोगों के लिए कुछ भी. And yes, today we will be trying viral recipes. कुछ वायरल रेसिपीज हैं एंड कुछ ऐसी रेसिपीज थी जो देखने में काफी टेम्प्टिंग लग रही थी तो आई रियली वांटेड टू ट्राई इट आउट. इस बार की रेसिपीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं तो मेरे कुकिंग स्किल्स थोड़े से टेस्ट आउट होंगे आज. लास्ट की वीडियो जो मैंने जहाँ पे कुकिंग की थी उसमें काफी ईजी रेसिपीज थी. खट 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 सब कुछ हो गया था बट आज काफी टाइम लगने वाला है. एंड विदाउट एनी फर्दर अडियो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रेसिपी. सो द फर्स्ट रेसिपी इज बाय शिवेश एंड आई एम श्योर आप लोग जानते हो शिवेश कौन है. ही इज वेरी वेल नोन and he's actually a very good food content creator and recently he posted a rice chocolate mousse recipe that needs only two ingredient. जहाँ easy है वहाँ पर मैं हूँ. comment section में बहुत सारे लोगों ने कहा it actually tastes really good. बासी चावल चाहिए, melted chocolate and that's it. before that let's watch the entire recipe. Refrigerate it for a couple of hours and once it sets, dust some cocoa powder on top and your chocolate mousse which is magically made with rice is ready. ओके ये बहुत डिलीशियस लग रहा है. इसको देख के लग भी नहीं रहा होगा कि इसको राइस के साथ बनाया है एंड इट लुक्स प्रिटी इजी. सो लेट्स डू दिस. सो शिवेश ने कम्प्लीटली डार्क चॉकलेट यूज किया था. हम लोग इतने दीवाने नहीं है ब्लैक चॉकलेट के सो आई एम थिंकिंग ऑफ मिक्सिंग दीज टू. सो दिस इज लाइक नॉर्मल कैडबरी सिल्क वाला चॉकलेट एंड दिस इज अमूल डार्क कंपाउंड चॉकलेट. आई डोंट नो व्हाई पीपल यूज दिस. आई थिंक किसी चीज़ के तो यूज होता है. मम्मी लेकर आई थी तो मैं थोड़ा थोड़ा इन दोनों को मिक्स करके इसको गर्म करके एंड देन आई बी यूजिंग इट. पानी गरम. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ये तो एक केक बन गया. एक केक बन गया ये. इसमें ड्राई फ्रूट डाल दो. नीचे से जल गया. ओहो ये तो जल गया यार. हाँ हमने डेरी मिल्क और कंपाउंड दोनों मिक्स किया. अगर तुम्हें बनाना है ना ये डेरी मिल्क का वो आई विल टेल यू हाउ टू डू. पानी उबालो. पानी को उबाल कर बर्तन रखो उसमें उसमें करते हैं. उसने माइक्रोवेव बोला था. शिवेश बोला माइक्रोवेव तो तेरे को अकल नहीं है ना बेटा. तो शिवेश बोला ना हमें क्या वो तो खुशबू तो अच्छी आ रही है केक की. चॉकलेट केक की आ रही है खुशबू जब जल नहीं जाता चॉकलेट. बट दिस लुक्स लाइक केक. अच्छा कहाँ इधर आवर ब्यूटिफुल दिस इज चॉकलेट मूस जो मैंने बनाया. देखो टेस्ट अच्छा है. प्रशांत को भी अच्छा लगा. आई एम टेकिंग आउट अनदर बोल. हम फिर से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे. बहुत चॉकलेट वेस्ट हो रही है. जैसे आंटी ने बोला वैसे मेल्ट करेंगे ना. नहीं तो हमारा सेकंड बैच ऑफ चॉकलेट इज इन द माइक्रोवेव बट इस बार मैंने थोड़ा सा दूध मिलाया है. डोंट आस्क मी द रीजन. मुझे बस ऐसा लगा कि दूध मिलाना चाहिए. हो गया 30 seconds ओनली. ओके बेबी स्टेप. ओके कुछ नहीं हुआ है दोस्तों. बैक इन द माइक्रोवेव. देखो यम्मी. दूध ज्यादा डल गया. इन हियर वी हैव आवर थोड़ा सा राइस. इन गोज थोड़ा सा गर्म पानी.
बहुत अच्छे से बंद किया है। Goes our second blender. गरम क्यों हो गया? क्योंकि चॉकलेट गरम थी। Wow, I did this. So basically, इसको अभी 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है। So इसलिए हमने फर्स्ट रेसिपी इसी को चूज किया। And जब ये ठंडा हो जाएगा, then I'll let you know. अभी इसको हम 2 घंटे फ्रिज में डालेंगे and then you will see future us after 2 hours. 2 hours later. So it's been exactly 2 hours and our rice chocolate mousse is ready. Looks good, smells good and इसके ऊपर हमने कोको पाउडर छिड़क दिया है. Let's have this. One bite for you. मैं एक प्रॉपर बाइट लूंगी जिसमें मेरे दांत और मेरी लिप्स ना चिपके। दिस इज गुड। मेरे फर्स्ट बाइट में मेरे ना ये गम और मेरे दांत चिपक गए थे। आई थिंक दैट वॉज बिकॉज ऑफ द कोको पाउडर। सब बहुत ऐसा ऐसा हो गया था बट आई थिंक इट इज गुड। बिल्कुल भी राइस का टेस्ट नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चला रहा इसमें राइस है। इट एग्जैक्टली टेस्ट लाइक पुडिंग बट स्लाइटली मोर लाइक थिकर, गुई गुई कहूंगी मैं, गुई गुई ज्यादा है। इट टेस्ट रियली गुड। अगर आप किसी अनजान इंसान को खिलाओगे जिसको पता ही नहीं कि इसमें राइस है, उनको पता भी नहीं चलेगा। एंड आई थिंक आउट ऑफ 10 आई वुड गिव दिस 8.5। इसमें तो डार्क चॉकलेट है, सब कुछ हेल्दी है, थोड़ा सा तो सिल्क डाला था, बहुत कम सिल्क है, दो तीन पीस। It's healthy, it's just dark chocolate. It's just chocolate candy. किसी हलवे की तरह लग रहा है। हलवे तो जैसा बिल्कुल भी नहीं प्रशांत, कौन सा हलवा इतना दिल गिलगिला होता है। बड़ा अच्छा है, गुड है, है ना? राइस पता चल रहा है कहीं से भी नहीं, दांत से चिपक रहा है ना, दांत और गम्स मेरे में चिपक गए थे। आउट ऑफ 10 8 मैंने कितना दिया? 8.5 नहीं 8 दिया मैंने। Desperately wanted to try and मैंने जब इस रेसिपी को देखा था मेरे मुँह में पानी आ गया था। I swear, I'm not even kidding. If you know me, you know I love momo, I love मैगी, noodles, ऐसे टाइप की चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद है। There's this brand called Prasuma, जिनके frozen momo आते हैं different flavors में, cheese आता है, पनीर वेज आता है, chicken, spring roll and they have a lot of things and they are actually very delicious. So I saw this recipe by Shivangi. She is pretty well known on YouTube, I think, क्योंकि काफ़ी explore page पर आती हैं। She made a really quick momo soup recipe under 10 minutes and it looks delicious. तो पहले इस रेसिपी को देखते हैं एंड देन वी विल मेक इट। दिस इज मोमो सूप। इट्स मेड इन अ केटल इन अंडर 10 मिनट्स यूजिंग माय फेवरेट प्रसुमा मोमो। एंड लिसन, इफ यू लिव इन अ हॉस्टल दिस इज इवन मोर परफेक्ट फॉर यू बिकॉज़ यू आर गेटिंग अ रेस्टोरेंट क्वालिटी मील एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। वी यूज लॉट्स ऑफ वेजीज, सम गुड सॉसेस एंड ऑफ कोर्स अ प्रसुमा मोमो। I used to each of these Prasuma veg momo because how can I choose when they're all so juicy and delicious? Although my favorite is definitely the cheesy spicy one. They're preservative free and made from farm fresh ingredients, so you're not compromising on quality and taste. And this is just so so good. Prasuma momo is conveniently available online or a store near you, so you literally have no excuse to not try this. Got it. काफी easy है.
तो मैंने अपने सारे वेजीज ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं. तो वी हैव कैरेट, वी हैव गार्लिक, वी हैव कैप्सिकम एंड थोड़ा सा धनिया. सो मैं पहले थोड़ा सा गार्लिक, कैप्सिकम में शायद सारा ही डाल दूंगी. कैरेट, सारी वेजीज इज इनसाइड ऑलमोस्ट. दिस इज अ वेरी फेमस चिली ऑयल जो इंस्टाग्राम पे बहुत एड्स चल रहे थे इसके लास्ट ईयर. सो मम्मा गॉट इट एंड यू कैन सी हमने काफी सारा कंज्यूम कर रखा है. इट्स एक्चुअली रियली गुड एंड थोड़ा सा तीखा है ये. तो आई थिंक मैं इतना सा डालूंगी, इतना. ये चिंग्स का रेड चिली सॉस, इसको मैं थोड़ा सा डालूंगी. ओह बहुत ज्यादा डाल गया. एंड थोड़ा सा सोया सॉस. उसका सॉस में भी नमक है. अब इसके पैकेट में ना खुद का अपना एक सॉस आता है विच इज एक्चुअली वेरी डिलिशियस. तो उसको भी डालना है. मैं मोमोज डालना नहीं चाहती हूँ अभी बिकॉज वो बहुत जल्दी फट जाता है मेरे से. आई ऑलवेज ओवर कुक इट. तो पहले मैं इस पानी को थोड़ा सा उबाल लूंगी एंड बिफोर दैट यूज द सॉस. दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. इफ यू हैव नॉट हैड प्रसुमा बिफोर, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है. सो दिस इज आवर मोमो. ये मैंने 10 वाला ही 10 पीसेज ही हैं इसमें. इसमें और पीसेस के भी आते हैं. एंड द वन आई एम यूजिंग इज वेजिटेबल पनीर. इसमें चिली चीज भी था, वो मन नहीं था क्योंकि इतना चिली चिली का. तो दिस इज हाउ दे लुक, दे लुक परफेक्ट. अब इसमें मैं डाल दूंगी 1, 2, 3, 4, 5 फॉर गुड लक. तो मैं पकाऊंगी नहीं, मैं पानी आ रहा है. ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता भी नहीं सकती. आई थिंक आई लेट इट स्टीम इसी में एंड आफ्टर 2 मिनट्स इसको हम हटा देंगे. गार्निश करने के लिए थोड़ा सा धनिया. दिस इज मास्टर शेफ लेवल फूड. It smells amazing and was so easy to make. I think momos bhi काफी अच्छे से पक गए हैं. Let's give it a shot. I think शायद नमक कम होगा, but we'll see. This is the first bite for you. Ding. Let's go. अच्छा है, नमक कम है. Prashanti will love this. This is very good. Pot taste. चीनी चिली है. तो नमक डाल रही हूँ सब में. Let's eat it again with नमक. नमक अभी भी कम है. This is a fabulous recipe. A solid 10/10. I think next time मैं इसमें थोड़ा सा और कम पानी डालूंगी and of course नमक. But apart from that, if you eat non-veg, मैंने सुना है प्रसुमा के नॉनवेज मोमोज भी अच्छे हैं. दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड इन एनी वे, ओके. आई जेन्युइनली लाइक द ब्रांड. दिस इज हिमाद्री अप्रूव्ड एंड यू शुड ट्राई टू. अब प्रशांत इज गोना टेस्ट माय फूड. टू गुड. अच्छा लगा ना? आउट ऑफ 10 हाउ मच? 9. मोमोज हल्के से सॉगी हो गए. मैं बहुत जल्दी सॉगी हो जाता है. आई थिंक हमने थोड़ा देर तक रख दिया. द फ्लेवर इज गुड एंड काम चलाओ इतने जल्दी ये सब बनाना. वाओ वाओ एंड वाओ. अब मम्मी के बारे. नमक कम है मेरे लिए. कम है हाँ, लग रहा था नमक आपके लिए कम होगा. लगता है बहुत नमक डाला है. मोमोज क्या खाओ ना. आउट ऑफ 10 कितना दोगे? 8. इट इज मम्मा अप्रूव्ड, प्रशांत अप्रूव्ड, हिमाद्री अप्रूव्ड. ट्राई इट. Let's move to the next recipe. So the last recipe was a massive hit and I have a strong feeling that ye wali recipe bhi bahut fad hone wali hai. Now this is from a food content creator but an international creator. She is not from India and her name goes by SN Paradise and her actual name is I think Anna. So she made these crispy potato balls and they look so nice, so satisfying, itne airy. Now she has used Parmesan cheese and unfortunately I don't have it with me. I did look for it here and there जो हमारा supermarket था, but उसमें नहीं था, बस mozzarella. So I think I will be skipping on the cheese part, but rest everything I have and let's quickly check out the recipe. So satisfying. Pepper, salt. I'm drooling already. P
people. I think this is gonna be amazing. Let's make this. So I have 3 boiled potatoes ready here with me, and इसको मैं पहले mash कर दूँगी जैसे वीडियो में दिखाया था. तो हमने पोटैटो मैश कर दिए हैं एंड आफ्टर दैट आई हैव टू ऐड 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक, थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ. वैसे तो शी यूज पार्सले बट वो है नहीं तो. एंड अब वी विल मिक्स दिस. तो प्रशांत इज वर्किंग इसमें बिकॉज आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज हल्की सी मेरी स्किन निकल रही है एंड दैट इज नॉट नॉट हाइजीनिक. तो मैं जितना स्पून वर्क कर सकती थी वो मैंने कर दिया. बाकी ये जो इसमें हाथ इस्तेमाल होता है वो प्रशांत इज सॉर्ट ऑफ डूइंग. मैं तो तेल गरम कर रही हूँ. वीडियो क्यों बंद करूँ? अरे बन गया. शर्मा रहा है तू? अरे नहीं शर्मा मत. वैसे ही इज एक्चुअली अ गुड कुक अकॉर्डिंग टू हिम. सो आवर पोटैटो बॉल्स आर रेडी. तेल भी आई थिंक गरम हो गया. लेट्स पुट आवर फर्स्ट second third. okay I'm scared of it. It's like cooking with Prashant. kitna mast lag raha hai. very nice. aur toota bhi nahi. he's so proud. maine banaya hai toot jayega kya. it's cooking with Prashant. welcome back to my channel. hi munchkins bolo jaise tum mera mazak ulaate. hi munchkins. what nahi nahi meri awaaz mein bol. hi munchkins welcome back to my channel. आई थिंक थोड़े से और छोटे बनाने चाहिए थे है ना. कच्चा है चाहे कॉर्नफ्लोर ज्यादा है. नहीं वो चीज दिख रहा है. ओह चीज फट रहा है. हमने चीज डाल दिया था मेरे पास. मैंने डिस्कवर कर लिया था थोड़ा सा चीज. तो दैट्स द दैट. एंड आवर क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स आर रेडी. हमें अप्रॉक्स 20 मिनट्स लगे बनाने में. वैसे तो ज़्यादातर प्रशांत ने काम किया क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे हाथ की हल्की सी स्किन निकल रही है एंड दैट्स नॉट हाइजीनिक एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू दैट. बट इट स्मेल्स अमेजिंग. दे लुक क्रिस्पी एंड अकॉर्डिंग टू द रेसिपी 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डालना था. हमने इसे ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि हो ही नहीं रहा था. मतलब जो डो होता है ना वो बाइंड नहीं हो रहा था तो वी हैड टू एड मोर. कैन यू हियर दिस? ये आलू टिक्की जैसा है. एग्जैक्टली आलू टिक्की बट थोड़ा सा आलू के मतलब राउंड शेप में. 6/10. अब आई ना आवाज गरम. कितना देगा आप? 10? 10 मैंने बनाया. 10/10? मैंने बनाया. इतना भी क्रेजी नहीं है इसका टेस्ट. 6/7. ओके मम्मी को ट्राई कराते हैं. अच्छा वो आलू वाले बनाए हैं. बहुत गर्म है. हाँ गर्म है. सच्ची बताना. रोटी नहीं दूँ. अच्छा इसमें इसका कोई हाथ नहीं है. नहीं मैंने आलू मैश किए और नहीं मैं नमक सीजनिंग वगैरह. आलू टिक्की जैसा नहीं है. एकदम आलू टिक्की है बट उससे लाइट. हाँ बॉइल्ड है ना. वो हमको जो ही बॉइल्ड होते हैं वो तला हुआ ज्यादा. ये तला हुआ है. डीप फ्राई है. हाँ डीप फ्राइड है लेकिन मेरे ख्याल से या तो स्टार्च की वजह से या कुछ है तो आउटर लेयरिंग उतनी हैवी नहीं लग रही. आउट ऑफ 10 हाउ मच? सिमे 7.5. ठीक है तो आई एम 7.5. बट ट्राई कर सकते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा करके ना. You can eat. Okay, again, that was a massive success. थोड़ा बहुत similar taste था but it was really good. It was different and we enjoyed it. Now for the next recipe and my personal favorite one. Yes, it is going to be another viral Maggie recipe. I make sure कि मैं हर video में ना एक Maggie की recipe तो डालूँ ही डालूँ because I love experimenting with Maggie and Maggie is Maggie, you know. And this time I really wanna try the very viral lemon coriander Maggie and this recipe is by Radhi Arora. I think it's not her recipe but she herself tried this viral recipe but I found her video and it seemed really interesting. She really liked it so I want to see if the hype is real or no. So let's see the video.
अब कोई मैगी की रेसिपी ट्रेंड हो रही है और मैं ना ट्राई करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? फॉर दिस यू नीड अनियन, गार्लिक, कोरिएंडर, मैगी मसाला, सबके ऊपर डाल दो गरम गरम तेल। तेल डालने के बाद लेट इट सिट फॉर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद डाल दो सोया सॉस, चिली सॉस एंड केचप। फिर क्या, सबको अच्छे से मिक्स कर लो एंड लेमन डाल दो और उसके ऊपर हमारी बॉइल्ड मैगी एंड सबको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखने में तो काफी बढ़िया लग रही है एंड गेस व्हाट, खाने में भी उतनी अच्छी। Let's make this. So, सबसे पहले I'll add onion. She also added some garlic. So, I think मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, कड़वा ना हो जाए. And थोड़ा सा धनिया भी डाला था उसने. And then I have to add गरम गरम तेल. So, पीछे हमने मैगी उबालने को रख दिया है. And now I'm gonna add one packet मैगी मसाला क्योंकि हम एक ही मैगी बना रहे हैं. My oil is also hot. गरम गरम तेल, which I'm scared of, but थोड़ा सा केचप, अ डैश ऑफ सोया सॉस। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई थिंक प्याज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट इट एक्चुअली स्मेल्स रियली गुड। आई होप खट्टा ना ज़्यादा हो गया हो क्योंकि मैंने नींबू कुछ ज़्यादा ही निचोड़ दिया था। बट लेट्स गो, वन बाइट फॉर यू। मेरे जो छाले में लगा है खट्टा बहुत तेज। द टेस्ट इज गुड। जैसे मैंने कहा ना, नींबू मुझे लगा मैंने कुछ ज्यादा निचोड़ दिया है। दिस इज यमी, बट नींबू थोड़ा सा ज्यादा है। बट दिस टेस्ट गुड। आई थिंक इट कैन बी लाइक, अगर यू आर फीलिंग वेरी एक्सपेरिमेंटल विद मैगी, यू कैन हैव दिस। I think I'll give this like a 6 or a 7 on 10. Nothing too crazy. Very easy to make. कुछ ज़्यादा उबालना जुमालने का कुछ है नहीं। बस next time नींबू कम, but it tastes good. Go Prashant, you can do this. Yeah. खिचली. Out of 10? 8. Like it? Hmm. Easy to make, no? Easy to make. Very nice. This is lemon coriander Maggi. Garlic lemon coriander Maggi. है मैगी मसाला है खाओ ना। बकुबों अच्छा लगा? प्याज का फ्लेवर अच्छा लगा। नींबू तेज नहीं लगा आपको? ठीक है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो एंड इस बार के वीडियो में सारी की सारी रेसिपीज बहुत ही अच्छी बनी है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी लाइक गुड द वे इट टर्न्ड आउट, बट इट वॉज जस्ट अमेजिंग। अगर मैं मतलब सीरियल वाइज बताऊँ कौन सा टॉप पर था, फर्स्ट शुड बी द प्रसुमा सूप मोमो वाला रेसिपी। आफ्टर दैट इट शुड बी द मैगी लेमन कोरिएंडर। उसके बाद क्रिस्पी पोटैटो एंड लास्टली शुड बी द राइस चॉकलेट पुडिंग। That would be because I don't know. बस ये है मेरा प्रेफरेंस एंड द फूड वॉज अमेजिंग। इतनी सारी डकारे वकारे हमने मारी हैं वाइल मेकिंग दिस फूड एंड ईटिंग। बट आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू डिड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। आप बताना इफ़ यू वॉन्ट प्रशांत एंड आई टू मेक मोर सच रेसिपीज। ट्राई आउट वायर रेसिपीज एंड रेट इट फॉर यू गाइज। एंड इफ यू एंजॉयड यू नो एग्जैक्टली वॉट टू डू, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू गाइज रियली सून। Bye.